सीड सर्टिफिकेशन, ओके, बीज प्रमाणीकरण। प्रमाणीकरण का मतलब कि वैलिड क्या प्रमाण है। जैसे कि हम फार्मर जाते हैं दुकान पे, ठीक, वहाँ पर जो सेलर है उससे हम कोई भी बीज खरीदते हैं, तो क्या प्रमाण है उस सीड का, उस बीज का, कहीं फेक तो नहीं है, कहीं कोई बाहर का बीज तो नहीं हमको दे रहा है, कहीं कोई मिक्स बीज तो नहीं दे रहा है, तो वो प्रमाणीकरण ही सीड सर्टिफिकेशन कहलाता है। चलिए फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सीड सर्टिफिकेशन इज़ ए लीगली सेक्शन सिस्टम फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड ड्यूरिंग सीड मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन। देखिए, सीड सर्टिफिकेशन आपका लीगली एक सेक्शन सिस्टम होता है, यानी कि लीगल तरीके से इसका जो प्रोडक्शन होता है, जो होल सेलिंग होता है मार्केट में, एक लीगल तरीके से होता है, गवर्नमेंट के ऑथोराइजेशन पे होता ही है। फॉर क्वालिटी कंट्रोल ऑफ सीड ड्यूरिंग सीड मल्टीप्लीकेशन एंड प्रोडक्शन। जब सीड को हम मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि अलग अलग विभागों में विभक्त करते हैं, उसका पैदावार करते हैं, और मेन जो आपकी एजेंसी जो होती हैं, जो सीड का फॉर्मेशन करती हैं, वो सीड पे खुद का टैगिंग यूज करके, खुद का सर्टिफिकेट यूज करके वो पॉलिसी के साथ मार्केट में सेल करती हैं विथ टैगिंग, तो ये आपका क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन। सेकेंड पॉइंट है, सीड सर्टिफिकेशन इज ए साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिकली डिजाइंड प्रोसेस टू सिक्योर। सीड सर्टिफिकेशन क्या आपका साइंटिफिक एंड सिस्टमैटिकली डिजाइंड प्रोसेस है। गौर से सुनिएगा, ये सीड सर्टिफिकेशन आपका अंडर साइंटिफिक रीजन में इसको देखा जाता है। जैसे कि मैं पहले आपको बता चुका हूँ कि आइसोलेटेड सिस्टम में सीड को उसके अनुकूलित वातावरण में सीड को बढ़ाया जाता है, वहाँ पर सीड की ग्रोथ होती है, उसके बाद वहाँ पे टेस्टिंग होता है कि नहीं, उसके अंदर गुड क्वालिटी की सीड है कि नहीं, वो उसके अंदर कैरेक्टर्स हैं कि नहीं, इसके बाद उसको ऑथराइज्ड किया जाता है विथ टैगिंग, सिस्टमेटिकली डिजाइंड प्रोसेस टू सिक्योर, और उसको सिक्योर रखा जाता है। ओके, नेक्स्ट है, मेंटेन मल्टीप्लाई एंड मेक अवेलेबल सीड ऑफ नोटिफाइड एंड रिलीज्ड वेराइटी टू द फार्मर। इसके बाद क्या किया जाता है, आपका नोटिफाई किया जाता है, यानी कितने टाइम तक सीड आपका प्रिपेयर हो जाएगा अच्छे से फॉर जर्मिनेशन, उसको पैकेजिंग किया जाता है, एंड उसकी अलग अलग जो वेराइटीज होती हैं उनको डायरेक्ट रिलीज़ किया जाता है टू द फार्मर्स फॉर ग्रोथ ऑफ द फील्ड्स, ओके, एंड फॉर बेटर प्रोडक्शन। तो ये आपके क्या होता है, सीड सर्टिफिकेशन। तो सबसे इसमें इम्पोर्टेंट बात है कि अगर आप कहीं जाते हैं सीड लेने के लिए, तो आप सीड लेते समय अपने जो सीड का रहेगा, जैसे कि जो भी आपका अमन लेना है, मसूरी लेना है, जीरा 32 लेना है, अलग अलग टाइप्स के जो सीड होते हैं, हमारे इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ, वैसे तो IR और बहुत सारे अलग अलग सीड भी आते हैं, तो जो भी आपको सीड लेना है किसी भी क्रॉप का, किसी भी फसल का, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल देखना है कि उस पर सीड सर्टिफिकेशन है कि नहीं, टैग है कि नहीं, और प्रॉपर उस पर पॉलिसी के थ्रू ऑथराइज्ड है कि नहीं, ये चीज़ आपको ध्यान देकर ही तभी लेना है। ठीक है, कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज फेस ऑफ सीड सर्टिफिकेशन, यानी कि सीड सर्टिफिकेशन की अवस्थाएं, कितनी अवस्थाएं होती हैं देख लेते हैं। सीड सर्टिफिकेशन हैज़ 5 फेसेस ऑफ दीज आर, यहाँ पर आपको 5 फेसेस में दिखाई दे रहे होंगे, एक और मैं बताऊँगा, वो आपकी अवस्थाएं होती हैं किसकी, सीड सर्टिफिकेशन की। फर्स्ट है आपका वेरिफिकेशन ऑफ सीड सोर्स, ओके, जो बीज का स्रोत है उसको हम वेरीफाई करते हैं, आगे वेरिफिकेशन करते हैं कि कहाँ से कौन से उन्नत बीज को लिया जा रहा है, फर्स्ट, ओके, दैट्स कंप्लीट। नेक्स्ट है आपका इंस्पेक्शन ऑफ सीड क्रॉप इन द फील्ड। अब क्या करते हैं हम कि जो हमारा सीड क्रॉप है, जो सीड क्रॉप ग्रो कर रहा है फील्ड में, उस पर क्या करेंगे हम, देख रेख करेंगे, इंस्पेक्शन करेंगे, और उस पर मतलब इवोल्यूशन करेंगे हम, क्या क्या कमियां हैं, क्या कुछ नहीं है, तो ये चीज़ देख रेख हम पूरा प्रॉपर करेंगे किसमें, फील्ड में, दैट्स क्लियर। नेक्स्ट है आपका थर्ड, सुपरविजन एट पोस्ट हार्वेस्ट स्टेज इंक्लूडिंग प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग। अब यहाँ पर क्या होगा, पोस्ट हार्वेस्ट का मतलब है कटाई के बाद, हार्वेस्ट मतलब कटाई,
पोस्ट मतलब बाद में, ठीक है। तो पोस्ट हार्वेस्ट में क्या होता है, कटाई के बाद हम सुपरविजन यानी कि देख रेख करेंगे अच्छे से, जहाँ पर आपका प्रोसेसिंग हो रहा हो, ठीक है, कौन कौन से स्टेज वहाँ पर अपनाई जा रही है, पैकिंग कैसे किया जा रहा है, तो वो चीज़ हमको क्या करना है, अच्छे से अपने नज़र में रख के ये चीज़ों को परफॉर्म करवाना है, सुपरविजन। दैट्स क्लियर। फोर्थ पॉइंट है सीड सैम्पलिंग एंड एनालिसिस। सीड सैम्पलिंग करा रहे हैं यहाँ पर, कौन कौन से जो सीड हैं वो आपके सही हैं फॉर ग्रोथ, फॉर बेटर जर्मिनेशन, ठीक है। सीड सैम्पलिंग करा दिए हम, एंड एनालिसिस करा रहे हैं उसका। एनालिसिस का मतलब वही है कि प्रॉपर सीड को देखना कि कौन सा सीड के अंदर कैरेक्टर है, अच्छे से जर्मिनेट कर पाएगा कि नहीं, एनालिसिस करते हैं कि नहीं उसका वाकई में ग्रोथ हो पाएगा कि नहीं, ये चीज़ आपका फोर्थ पॉइंट में दिया गया है। फिफ्थ है ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, सर्टिफिकेट ग्रांट कराना तभी ग्रांट होगा जब उसके अंदर प्रॉपर गुड क्वालिटी ऑफ सीड प्रेजेंट होगा, वो अच्छे से जर्मिनेट कर सकेगा आपका सीड, तभी उसको टैग दिया जाएगा, सर्टिफिकेट ऑथोराइज किया जाएगा बाय गवर्नमेंट। सर्टिफिकेशन टैग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टेबल एंड सीलिंग, और जो आपका बैग रहेगा, जो प्रॉपर आपका सीड रहेगा, वो उसको सील किया जाएगा। और यही चीज़ मैं पहले भी आपको टॉपिक बता चुका हूँ कि अगर आप मार्केट में जाते हैं लेने के लिए कोई भी सीड लेते हैं, तो इन चीज़ों का आपको ध्यान में रखना है, सर्टिफिकेशन टैग प्रॉपर सील होना चाहिए, उस पर उसका टैगिंग यूज होना चाहिए, ठीक। दैट्स क्लियर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। उद्देश्य क्या होता है सीड सर्टिफिकेशन का, हम सीड सर्टिफिकेशन करते क्यों हैं, जरूरी है या नहीं है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट, टू इंश्योर जेनेटिकल आइडेंटिटी ऑफ ए वेराइटी। हमें इंश्योर कर लेना चाहिए कि नहीं, जो हमारा जो बीज है उसका जो जेनेटिकल आइडेंटिटी प्रॉपर है कि नहीं है, किसी और सीड का तो नहीं है, कोई ऐसा फालतू फेक सीड तो नहीं है, अच्छे से जर्मिनेट भी नहीं करेगा तो बहुत ज़्यादा उस पर क्लेम जाने वाला है, तो ये चीज़ हमको इंश्योर कर लेना है उसकी जेनेटिकल आइडेंटिटी कैसी है वेराइटी की, जो भी है होगा, ठीक है। दैट्स क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट है टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ फिजिकल प्योरिटी। हमें इंश्योर कर लेना है कि जो हमारी वेराइटी है, जो हमारा सीड है, उसका जो फिजिकल प्योरिटी है वो हाई डिग्री है कि नहीं, अच्छे परसेंटेज हैं कि नहीं उसका, तभी तो वो अच्छे से ग्रोथ करेगा, तो इसलिए हम सीड सर्टिफिकेशन करते हैं, मेन यही हमारा ऑब्जेक्टिव है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। दैट्स क्लियर। थर्ड पॉइंट है टू इंश्योर हाई डिग्री ऑफ जर्मिनेबिलिटी, यानी कि जर्मिनेशन, ये भी हमको इंश्योर कर लेना है कि जो हमारा सीड है, जो हमारी वेराइटी है, उसके अंदर जर्मिनेशन का कितना परसेंटेज है, ओके। अब ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बिकॉज अगर जर्म एबिलिटी उसके अंदर कम रहेगी तो जर्मिनेशन होगा ही नहीं, जब भाई जर्मिनेशन ही नहीं होगा तो आपका क्रॉप्स ग्रोथ करेगा नहीं, बढ़ेगा नहीं, तो प्रोडक्शन मिलेगा नहीं, अब प्रोडक्शन मिलेगा नहीं तो आपका जो इनकम है वो आपको होगा नहीं, मार्केटिंग सेल भी आपका रुक जाने वाला है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लेना है, ठीक। चलिए देखते हैं नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट हम, टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजिनेशन सीड बॉर्न डिजीज। और आपको ये भी इंश्योर कर लेना है कि उस सीड या वैरायटी में कोई भी सीड बॉर्न डिजीज ना हो, यानी कि जो सीड बॉर्न डिजीज कहने का मतलब है कि जो बीज के जन्म के वक्त उसमें कोई भी जो डिजीज़ लगता है, बीमारी होती है, वो उसमें ना प्रेजेंट हो, अगर वो ऐसा होता है तो वो उसके ग्रोथ को रोक सकती है, तो इस चीज़ को आपको देख लेना है। वीड यानी कि खटपतवार ना हो उसमें, कोई भी फालतू एक उसमें खटपतवार ना हो, एंड अदर क्रॉप सीड, और उसमें कोई अदर यानी कि दूसरे फसल का सीड उसमें मिक्स ना हो, तो इन सब बातों का आपको ध्यान में रखना है और अच्छे से सीड को ग्रो कराना है, तो बेसिकली इसलिए हम पढ़ते हैं सीड ऑब्जेक्टिव, उसका सीड सर्टिफिकेशन का ऑब्जेक्टिव, ठीक है, ताकि हमारा जो सीड हो उसका अच्छे से ग्रोथ हो। उसका क्या क्या पढ़े बेटा, फिर से एक बार हम कर लेते हैं क्लियर थोड़े से सिंपल लैंग्वेज में। उसका हम जेनेटिकल आइडेंटिटी देखेंगे, वेराइटी देखेंगे प्योर है कि नहीं, उसका क्लियर है कि नहीं, और उसका फिजिकल ब्यूटी देखेंगे हाई डिग्री पे है कि नहीं, और उसका जर्मिनेबिलिटी हम देखेंगे हाई परसेंटेज है कि नहीं, और उसका देखेंगे हम क्या टू इंश्योर फ्रीडम फ्रॉम ऑल डिजिनेशन सीड बॉर्न डिजीज फ्री है कि नहीं, अगर डिजीज फ्री नहीं रहता है तो आपका ग्रोथ को रोक सकता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ देखेंगे हम उसमें खरपतवार है कि नहीं, ये चीज़ भी देख लेंगे हम, और कोई अदर प्रकार के आपके सीड भी तो उसमें मिक्स नहीं है, तो ये भी हम देख लेंगे, तो
इन चीज़ों को क्लियर कर लेंगे हम, तभी एक अच्छा पहचान होगी गुड क्वालिटी ऑफ सीड की। अब उसको हम क्या करा सकते हैं, ग्रो करा सकते हैं। तो इसलिए हम पढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। होप ये कॉन्सेप्ट आपको अच्छे समझ में आया हो, क्लियर हो गया हो। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आप ज़रूर कमेंट करिएगा मुझे। नेक्स्ट टॉपिक इज प्रोसीजर ऑफ सीड सर्टिफिकेशन। प्रक्रिया क्या होती है सीड सर्टिफिकेशन की, ठीक है। यहाँ पर हम पॉइंट्स देखेंगे केवल, इसको डिटेल स्टडी अभी नहीं करने वाले हैं हम, क्योंकि ये डिटेल स्टडी करेंगे तो वीडियो काफ़ी लॉन्ग बन जाएगा। अभी सीड सर्टिफिकेशन के प्रोसीजर को आपको एज इट इज़ देख लेना है। अगर आपके एग्ज़ाम में आता है तो आप इन पॉइंट्स को लिख कर अपने से समझ कर कुछ ऐड कर सकते हैं, वहाँ पर आपको टोटल नंबर मिल जाएगा। तो चलिए देखते हैं फर्स्ट पॉइंट, एस्टेब्लिशिंग सोर्स ऑफ सीड। ओके, फर्स्ट पॉइंट आपका ये। सेकेंड है फील्ड एरिया फॉर सर्टिफिकेशन। थर्ड इज यूनिट ऑफ सर्टिफिकेशन। ओके, फोर्थ है आपका यूज ऑफ केमिकल हाइब्रिडाइजिंग एजेंट। ओके, फिफ्थ है फील्ड इंस्पेक्शन एंड री इंस्पेक्शन। ओके, सिक्स्थ हार्वेस्टिंग थ्रेसिंग एंड ट्रांसपोरेशन। सेवेंथ है सीड लॉट एंड लॉट साइज स्पेसिफिकेशन। ओके, एट्थ इज सीड प्रोसेसिंग एंड सीड ट्रीटमेंट, दैट्स क्लियर। नाइन्थ है सैम्पलिंग ऑफ सीड एंड सीड एनालिसिस रिपोर्ट। टेंथ इज रिक्लेनिंग रीसैम्पलिंग एंड रीस्टेटिंग। टेंथ इज रिक्लीनिंग रीसैम्पलिंग रीटेस्टिंग, दैट्स क्लियर। इलेवेंथ डाउनग्रेडिंग ऑफ सीड क्लास। नेक्स्ट ट्वेल्थ है पैकिंग टैगिंग सीलिंग एंड इश्यूएंस ऑफ द सर्टिफिकेट, दैट्स क्लियर। थर्टींथ इज रिफ्यूजल फॉर सर्टिफिकेशन। फोर्टींथ है वैलिडिटी पीरियड ऑफ द सर्टिफिकेट। फिफ्टींथ रिवोकेशन ऑफ सर्टिफिकेट। सिक्सटींथ लास्ट आपका रिटेंशन ऑफ सर्टिफिकेशन रिकॉर्ड्स। तो ये इतने आपके टॉपिक हैं, 16 पॉइंट्स दिए गए हैं। ये क्या है, प्रोसीजर है। अब इसलिए मैं बता रहा हूँ कि काफ़ी लॉन्ग पड़ जाएगा अगर एक एक को मैं समझाऊंगा तो 16 ये पॉइंट्स हैं, इनके थ्रू ही आपका मेन जो होता है सीड सर्टिफिकेशन होता है। अगर एग्ज़ाम में आता है तो उसमें से आप 5 भी 10 भी लिख सकते हैं, कैसे कैसे क्या क्या प्रोसीजर होता है मेन सीड सर्टिफिकेशन का। बेसिकली वैसे तो सभी इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि प्रोसीजर का मतलब ही होता है कि नहीं, एक एक स्टेप कौन कौन सी प्रक्रिया करके फिर सीड को अच्छे से टैगिंग यूज किया जाता है, सर्टिफाइड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर लीजिएगा। सो स्टूडेंट, आज का टॉपिक कंप्लीट होता है हमारा। होप हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो। प्लीज़ शेयर करिए अपने फ्रेंड के साथ, अपने क्लासमेट के साथ एंड अपने फैमिली मेम्बर के साथ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।